कहा जाता है कि प्यार किस्मत वालों को मिलता है, लेकिन कभी कभी हद से ज्यादा प्यार भी किसी की मौत का कारण बन जाता है। ऐसा ही इतिहास का एक किस्सा आज मैं आपको सुनाता हूँ, जिस मुमताज और शाहजहां के प्यार के नाम पर ताजमहल का इतिहास बुना गया। उस मुमताज की दर्दनाक मौत की कहानी सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुमताज की मौत के बारे में और जानेंगे आखिर उस रात मुमताज के साथ क्या क्या हुआ। एक दिन शाहजहां मीरा बाजार में घूम रहे थे कि तभी उनकी नजर वहां खड़ी एक लड़की पर पड़ी जो बाजार में अपना कुछ सामान बेच रही थी। वो लड़की मुमताज थी। मुमताज की खूबसूरती शाहजहां के दिलो दिमाग में इस कदर बस गई कि अब वो हर रोज मुमताज का पीछा करने लगे। कुछ समय बाद शाहजहां को पता चला कि जिस लड़की का वह पीछा करते हैं उसका नाम अर्जुमंद बानो बेगम है, जो कि उनकी माँ नूरजहां की रिश्तेदार हैं। शाहजहां का प्यार इस कदर परवान चढ़ चुका था कि वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने तुरंत अपने पिता राजा जहांगीर के सामने अर्जुमंद से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की। बेटे के प्यार को जहांगीर नजरअंदाज नहीं कर पाए और उन्होंने इस शादी के लिए हाँ कह दिया। हालांकि मुमताज शाहजहां की चौथी पत्नी थी। मुमताज से पहले भी शाहजहां 3 शादियां कर चुके थे, लेकिन कहा जाता है कि मुमताज के साथ शाहजहां का खास जुड़ाव था। शाहजहां और मुमताज के 13 बच्चे हो चुके थे और मुमताज अब 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। 13 बच्चों को जन्म देने के कारण मुमताज शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो चुकी थी। जैसे ही 14वें बच्चे का प्रसव नजदीक आया, उसी दौरान दक्कन में खानजहां लोधी ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को काबू में करने के लिए शाहजहां को बुरहानपुर जाना था। उस समय मुमताज गर्भवती थी। शाहजहां मुमताज से बेहद प्यार करता था और वह मुमताज को छोड़कर दूर नहीं जाना चाहता था। मुमताज के गर्भवती होने के बावजूद शाहजहां उसे आगरा से 787 किलोमीटर दूर अपने साथ बुरहानपुर ले गया। यहां भयंकर युद्ध और मारकाट चल रही थी। कई दिनों की लंबी यात्रा की वजह से मुमताज बेहद बुरी तरह से थक गई और इसका असर उसके गर्भ पर भी पड़ा। उसके गर्भ से रक्त की धारा बहने लगी। मुमताज भयंकर दर्द से तड़प रही थी। शाहजहां को मुमताज की खराब हालत की सूचना मिली। इस दौरान वह मुमताज के पास नहीं गया, उसने दासियों को भेजने के निर्देश दिए। मुमताज मंगलवार की सुबह से लेकर बुधवार की आधी रात तक दर्द से बुरी तरह परेशान रही। शाही हकीम वजीर खान मुमताज के पास मौजूद था। वह पहले भी प्रसव के दौरान उसके पास रह चुका था। 30 घंटे के लंबे दर्द के बाद मुमताज ने आधी रात को एक बेटी गोहर आरा को जन्म दिया, लेकिन मुमताज बेहाल थी। दासिया और हकीम मुमताज के शरीर से हो रहे अत्यधिक रक्तस्राव को नहीं रोक सके, वह तड़प रही थी। इधर शाहजहां ने अपने कमरे से कई संदेशवाहक मुमताज के पास भेजे, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। रात काफी हो चुकी थी, आधी रात से ज्यादा का वक्त हो चुका था। शाहजहां ने अब खुद हरम में जाने का फैसला किया। तभी उसके पास संदेश आया कि बेगम अब ठीक है लेकिन काफी थकी हुई है, उन्हें परेशान न किया जाए। इसी दौरान दर्द से तड़प रही मुमताज ने अपनी बेटी जहां आरा को उसके पिता शाहजहां को बुलाने भेजा। शाहजहां सोने ही वाले थे कि उनकी बेटी जहां आरा वहां पहुंच गई। जब शाहजहां हरम पहुंचे तो उन्होंने मुमताज को हकीमों से गिरा हुआ पाया। मुमताज छटपटा रही थी, वह मौत के करीब थी। बादशाह की आवाज सुनकर मुमताज ने अपनी आंखें खोली। मुमताज की आंखें आंसुओं से भरी थी। शाहजहां मुमताज के सिर के पास बैठ गया। मुमताज ने आखिरी वक्त पर शाहजहां से 2 वादे लिए। पहला वादा आगे और शादी न करने को लेकर था, जबकि दूसरा वादा एक ऐसा मकबरा बनवाने का था जो अनोखा हो। इसके कुछ देर बाद
सुबह होने से थोड़ी देर पहले तक मुमताज के प्राण निकल गए। जब रानी की मौत हुई तो वह अपने 40वें साल में थी। उसके 14 बच्चे थे, जिनमें 8 लड़के और 6 लड़कियां थी। मुमताज की देखभाल करने वाली दासियों ने उसके मृत शरीर को रुई के 5 कपड़ों में लपेट दिया। इस्लामिक हिदायतों के बावजूद उसकी मौत पर महिलाएं बुरी तरह से रो रोकर शोक जताती रही। मुमताज की मौत से राजा ही नहीं बल्कि पूरा बुरहानपुर गमगीन हो गया। मुमताज के शव को ताप्ती नदी के किनारे जहना बाग में अस्थायी रूप से दफना दिया गया। मौत के 12 साल बाद शव को आगरा के ताज महल में दफना दिया गया। 17 जून 1631 को अपनी 14वीं संतान गोहरा बेगम को जन्म देने के दौरान प्रसव पीड़ा से मुमताज की मौत हो गई थी। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका आभार, धन्यवाद। जुड़े रहिए।